आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका मन आपको विवश करता है गलत क्रिया करने को, तो इससे कैसे बचे। मित्रों, हमारा मन विषयों की ओर जाएगा ही, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से अंतःकरण पवित्र नहीं हो जाता, तब तक मन भोगों की तरफ जाता ही है। इसीलिए इसमें विचलित होने की बात नहीं है। जब आपका मन विषयों के प्रति जाए, तो उस समय आपको सावधानी यह रखनी है कि मन की कथनानुसार अर्थात मन की प्रेरणा के अनुसार आपको कोई भी चेष्टा नहीं करनी है, क्योंकि मन चाहे जितनी भी उड़ान क्यों न भरे, किंतु बिना तन के मन कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मन जब कामादि दोषों से युक्त हो, तो उस समय गंदी क्रिया करने से बचना चाहिए, तथा एकांत सेवन भी उस समय नहीं करना चाहिए, बल्कि उस समय आपको अच्छे लोगों के समूह में चले जाना चाहिए, क्योंकि एकांत में मन हावी हो सकता है, आपको भ्रष्ट कर सकता है, क्योंकि मन पूर्व कर्मों का स्मरण कराता है और उस सुख की तृष्णा प्रकट करके विषयों को भोगने के लिए हमें विवश कर देता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि उस समय उदासीन होकर के उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करे। यदि यह भी संभव ना हो, तो इतना देखता रहे कि मन के द्वारा कोई भी क्रिया ना बनने पाए, क्योंकि काम वासना की तरंग कुछ समय के लिए ही हमारे मन में आती है और यह स्थिति हमेशा नहीं रहती। कुछ देर के उपरांत काम की तरंग हमारे मन से चली जाती है। इसीलिए साधक को धैर्यपूर्वक इस तरंग को सह जाना चाहिए कि ये वृत्ति स्थायी नहीं है, थोड़ी देर के लिए आई है और कुछ समय पश्चात यह वृत्ति चली जाएगी। उस समय घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम तन्मय होने की जरूरत नहीं है कि हाय हमारा मन तो दोषों से युक्त हो गया, अब हमारा क्या होगा। ऐसा विचार अपने मन में ना लाएं। कभी गर्म हवा चलती है तो कभी ठंडी हवा चलती है। ऐसे ही कामादि दोष मन में संस्कारवश, संगवश या स्वभाववश आ जाते हैं। यदि आप कामादि दोष के प्रति तन्मयता करोगे, तो कलेश का अनुभव होगा। इसीलिए सावधानी जरूरी है। मन के अनुसार क्रिया ना हो और ना ही मन को आपको महत्व देना है उस समय, और भयभीत होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह हमें बिना क्रिया के नष्ट कर दे। अगर क्रिया ना बनी, तो मन धीरे धीरे अमना होने लगता है। जिस भाव के लिए मन प्रेरित करता है, उसको यदि वह भाव ना मिले, तो धीरे धीरे मन का मनपन नष्ट होने लगता है। भोगों का संकल्प ही मन का जीवित रहना है, और भोगों से निसंकल्पित हो जाना ही मन का मर जाना है। जब साधक के मन में भोगों का संकल्प बने, तो वह उसको पूरा ना होने दे। थोड़ी जलन तो आपको सहनी ही पड़ेगी। इस वेग को सहना ही वास्तविक तपस्या है। जल पीकर, वायु पीकर, अग्नि में तपना, ये सब वाह्य साधन है, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। वास्तविक तपस्या तो यह है कि जब हमारा मन प्रतिकूल भाव का चिंतन करके जलाता है, उसको साधक सहे और धैर्यपूर्वक उस जलन को सह जाए। जो इस जलन को सह जाता है, वही महात्मा है, वही सच्चा ब्रह्मचारी है, वही साधक मोक्ष का अधिकारी है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है कि जो तरंग की तरह गंदे भाव हृदय में उदय हो रहे हैं, साधक उनका चिंतन करके वैसी क्रिया ना करें, तो वह जो तरंग उठ रही है, वह तरंग नष्ट हो जाएगी। और यदि कहीं आपने मन की बात मानकर क्रिया कर ली, तो वही तरंग फिर समुद्र बन जाएगी, और फिर ऐसे में पार होना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसीलिए जब भी काम वासना आपको सताए, तो आपको हार नहीं माननी है, बल्कि काम की तरंग को धैर्य के साथ आपको सह जाना है। यदि फिर भी आपका मन आपको परास्त कर देता है, तो आपको हार फिर भी नहीं माननी है, और आपको संकल्प करना है कि आज के बाद मैं यह क्रिया नहीं करूँगा। दोस्तों, ऐसा संकल्प एक दिन अवश्य आपका सच हो जाएगा, और आपकी एक दिन निश्चित ही विजय हो जाएगी, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो।